सनी देओल इस वक्त गदर 2 को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाओं में है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर मालामाल हुई है। ये उन फिल्मों में शुमार हो चुकी है जिसने तकरीबन 500 करोड़ रुपए की कमाई की है। सनी देओल ने अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान देश विदेश घूम करके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बटोरी, लेकिन हाल में खबर ये सामने आ रही थी कि धर्मेंद्र की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसी वजह से सनी देओल धर्मेंद्र को अच्छे इलाज के लिए अमेरिका लेकर के गए हैं। अब इस खबर की असली सच्चाई सामने आई है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर के इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं, जहां वो 15 से 20 दिन तक रहने वाले हैं ताकि उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। चर्चा ये थी कि धर्मेंद्र कुछ समय से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे और सनी देओल अब उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अमेरिका लेकर के गए हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि असल में सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के साथ फैमिली हॉलीडे ट्रिप पर गए हैं। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर को लेकर सनी देओल अपनी दोनों बहनें अजीता और विजेता से मिलने के लिए गए हैं। ये हॉलीडे काफ़ी सही समय पर प्लान किया गया क्योंकि 1 सितंबर को उनकी माँ प्रकाश कौर का जन्मदिन भी था। इस ट्रिप में सनी देओल के भाई बॉबी देओल अपनी शूटिंग कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आ पाए और ये महज एक फैमिली ट्रिप है। कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र की तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है और ना ही इलाज के लिए उन्हें अमेरिका लेकर के जाया गया है, बल्कि ये हॉलीडे ट्रिप है जहां पर फैमिली के साथ सनी देओल अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे।